ये देखिए ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब इसमें आलू भी डलता है और ये आपने क्या बताया उड़द की दाल के कोफ्ते बनते हैं पड़ते हैं। तो मतलब आप मतलब लाइक आलू की सब्जी के साथ कोफ्ते भी मतलब सर्व करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म धुआं। ये देखिए ये गर्मा गर्म भेड़ में पूरी तली जा रही है। हेलो एवरीवन, ट्रेल टू एक्सप्लोर में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हुई हूँ चांदनी चौक दिल्ली में, और अगर आप दरीबा कलां पे आ रहे हैं तो दरीबा चौक पे साइड में इनकी शॉप है, ये छोटे लाल हलवाई खुरचंद भंडार के नाम से। इनके पास मिलती है कचौड़ी, इनके पास मिलती है नगोरी हलवा और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को, एंड चलिए शुरू करते हैं। ये हलवा है, सूजी का है, रवे का है, ये हलवा मट्टी है, ये सूजी की बनती है। अभी ये क्या है, ये नगोरी बोलते हैं? हाँ, नगोरी बोलते हैं। ये मतलब पूड़ी और नगोरी में क्या फर्क होता है? ये सूजी की बनती है मोल लगा के। हाँ जी, ये ब्रेड पकौड़े हैं पनीर के, आलू के, ये सीताफल है, मेथी की चटनी है, ये गाजर का चार है। हाँ जी, गाजर का चार, मेथी की चटनी, ये आलू की सब्जी है, कोफ्ते पड़े हैं। कोफ्ते किस चीज़ के बनते हैं? ये उड़द की दाल के। उड़द की दाल के? हाँ जी। वाह, मैं पहली बार देख रही हूँ उड़द की दाल के कोफ्ते, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, ये भेड़मी पूड़ी है गर्मा गर्म। और ये देखिए ये है बेड़मी पूड़ी। हाँ जी, अभी अंकल मेरे को बेड़मी पूड़ी बना के भी दिखाएंगे। हाँ जी, अभी दिखाएं। ये देखिए ये बन रही है हमारी बेड़मी पूड़ी, इसके अंदर उड़द की दाल भी भरी होती है। उड़द की दाल की पिट्ठी भरी होती है इसके अंदर। तो उसमें कुछ आप मतलब मसाले भी डालते हैं? हाँ जी, मसाले भी डालते हैं, सौंफ है, हींग है, धनिया पाउडर, ऐसे सब कुछ मसाले पड़ते हैं इसमें। मतलब सुनकर ही ऐसा लग रहा है इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा। हाँ जी। तो फूली फूली बेड़मी पूड़ी। हाँ, और ये काफी ज्यादा क्रिस्पी होती है। हाँ, नॉर्मल पूड़ी से। हाँ, देखिए मेरे सामने ये आ चुकी है ये बेड़मी पूड़ी और सब्जी। इसमें आलू की सब्जी के साथ ये उड़द की दाल का कोफ्ता भी सर्व करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिए। हाँ, और इसके ऊपर मेथी की चटनी भी डालते हैं आप, और इसमें कुछ मतलब और भी? हाँ, मेथी की चटनी भी डालते हैं। तो मतलब इसका टेस्ट तो मतलब स्मेल मेरे को इतनी अच्छी आ रही है ना, मुंह में पानी आ रहा है। और ये है कद्दू की सब्जी, और आप इसमें देख सकते हैं कि कलर देखिए पहले कद्दू की सब्जी का कितना ज़्यादा मतलब टेम्पटिंग लग रहा है। इसमें क्या परफेक्ट मसाले पड़े होंगे, वो दिखने से ही लग रहा है। और इसमें ये है गाजर का अचार, मिर्च का अचार, और ये रही हमारी बेड़मी पूड़ी। चलिए मैं इसे खा के बताती हूँ आपको कि कैसी है। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। मैं कोफ्ते ले लिया है मैंने, और आलू की सब्जी के साथ। वाकई में पुरानी दिल्ली का ऐसे ही नाम नहीं है, ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें उड़द की दाल के जो कोफ्ते हैं इतना अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं ना आलू की सब्जी के साथ, और उसके ऊपर मेथी की चटनी जो डाली हुई है बिल्कुल चार चांद लगा रही है। इट्स मीडियम स्पाइसी, नॉट डैट मच स्पाइसी, मतलब कोई भी खा सकता है, लेकिन टेस्ट इतना ज़्यादा है ना कि मतलब इसमें मतलब मेथी का फ्लेवर आ रहा है, इसमें कोफ्ते का फ्लेवर आ रहा है, और इसमें आलू का मतलब आलू की सब्जी का भी टेस्ट आ रहा है। मतलब अगर मैं इसे मार्क्स देना चाहूँ तो 10 में से 10 नंबर तो है ही है 100%, क्योंकि क्वालिटी, टेस्ट, हाइजीन, मतलब सब कुछ ही इतना ज़्यादा बढ़िया है। मैं कद्दू की सब्जी भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये रही कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी स्पाइसी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की सी। कद्दू की सब्जी तो वैसे भी हल्की सी मीठी होती है वो है, लेकिन मसालेदार है। मतलब जैसे मैंने मेरे घर में जो बनता है बनती है कद्दू की सब्जी, वो बिल्कुल मीठी बनती है, लेकिन इसमें जो स्पाइसेस डाले हुए हैं
स्लाइट मीठे के साथ साथ बिल्कुल मतलब चटपटी है। ओवरऑल मेरी तरफ से तो भैया बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पे आएँ, ज़रूर ट्राई करें। खुरचंद भंडार मतलब इनकी शॉप का नाम है छोटेलाल हलवाई, और सबसे बेस्ट लैंडमार्क है अगर मैं इधर बोलूं तो पुलिस चौकी के बिल्कुल जस्ट सामने है, दरीबा चौक पे, दरीबा चौक पे पुलिस चौकी के सामने जस्ट इनकी शॉप है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है। ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है इन्हें यहाँ पे लगाते हुए, और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके खा चुके हैं और ट्राई कर चुके हैं। चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। जो है हमारी 50-60 साल पुरानी है, हलवा नगौरी हमारी बहुत फेमस है, और सूजी से बनाते हैं इसको, और साथ में हलवा नगौरी सब्जी साथ में देते हैं इसके। तो मतलब जो नगौरी हलवा और सब्जी है वो सब साथ में ही खाई जाती है? हाँ हाँ, वो इसमें भर के इसको हाँ। ये तोड़ के, ये हाँ। तोड़ने के बाद ये हलवा गया, इसमें थोड़ा सा भरा जाता है, ये बल लिया, और ये जरा सी इसमें सब्जी डाल दी आलू वाली, और ये आप ही खाइएगा क्यों क्यों ये देखिए ये आ गई ये। मैं इसे खाल के बताती हूँ। मीठा, चटपटा, क्रिस्पी, कुरकुरा, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो सब्जी तो वही आलू वाली है जो बेड़मी के साथ मिलती है, और हलवा, हाँ हाँ, हलवे का टेस्ट क्या मस्त आ रहा है, और उसके साथ क्या कहते हैं ये नगौरी, नगौरी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। आप बेड़मी पूड़ी और नगौरी में ना जो वो मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, नगौरी थोड़ी छोटी साइज़ की होती है और सूजी से बनती है, ज़्यादा क्रिस्पी होती है। बेड़मी पूड़ी जो पहले तली जाती है गर्मा गर्म बेल के, तो ये मेरे हिसाब से ये वर्थ ट्राइंग है, और ये बहुत नई यूनिक और बढ़िया चीज़ है, आपको ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल, ये वाकई में बहुत लाजवाब है। तो जी ये जो नगौरी है वो मतलब प्रॉपर दिल्ली की है या किसी और स्टेट से बिलोंग करती है? दिल्ली की है, थ्रू प्रॉपर इंडिया कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ओल्ड दिल्ली में ही मिलेगी। तो ये ओल्ड दिल्ली की ही मतलब लाइक क्या कहते हैं इन्वेंशन है जी, और एकाध ही दुकान पे मिलेगी जो बनाना जानते होंगे इसका, जो लेटेस्ट जनरेशन है ना बनाना जानते ना खाना जानते। लेकिन मेरे को खाने का तो वाकई में मतलब लाइक इसका जो टेस्ट आ रहा है नीचे से तो मीठा और ऊपर से मतलब चटपटा। हाँ। कहने का ये मतलब है कि मैंने नगौरी हलवा पहले एक जगह और ट्राई किया था दिल्ली में ही, लेकिन उसमें से वो हलवा दे रहे थे, मतलब दे डोंट नो द प्रॉपर स्टाइल कि कैसे दिया जाता है एक्चुअली में नगौरी, पर पुरानी दिल्ली की तो मतलब बात ही अलग है। तो यहाँ पे जब ये इन्वेंट हुई है तो यहाँ पे मतलब दे नो कि कैसे मतलब इसे सर्व किया जाए, तो इसमें हलवा डालते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और इसमें आलू की सब्जी डाली जाती है, तो मतलब ताकि ऊपर से ही चटपटा लगे और नीचे से ही मीठा लगे, तो मतलब दोनों का टेस्ट आता है, कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया और लाजवाब है ना, कि मतलब मुँह में पानी आ रहा है। खा के भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा है। तो जी शॉप कितने साल पुरानी है? ये 63 की मेरी एज है, 90 की मेरे फादर की डेथ हुई थी, 60-70 ईयर्स के आसपास है, और कभी एक आने में चार नगौरी मिला करती थी, आज जिसकी कॉस्ट जो है, आज जिसकी कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि 50 रुपये की चार पीस है, बट फिर भी 50 आज की जितनी महंगाई हिसाब से फिर भी अफोर्डेबल। हाँ हाँ, बट एक आने की चार नगौरी, मतलब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शॉप कितने टाइम पुरानी होगी। मेरे हिसाब से तो मतलब लाइक 80-90 ईयर्स तो कहीं नहीं गए, 80-90 ईयर्स पुरानी तो आराम से ये शॉप होगी। अब देखिए हमारे पास आ रही है गर्मा गर्म कचौड़ी, थैंक यू सो मच। या फिर इसको ऐसे खा लीजिएगा, ये ऐसे नगौरी और बेड़मी पूरी ट्राई करने के बाद मैं अब आई हूँ ये कचौड़ी ट्राई करने के लिए। आई क्या हूँ मतलब इसे देख देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। सब्जी तो वही है जो बेड़मी की थी, और ये कचौड़ी है, मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। वाकई में जो इसमें फीलिंग है, आलू की सब्जी तो मैं बता ही चुकी हूँ,
किड्स मीडियम स्पाइसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वही आलू उड़द की दाल के कोफ्ते के साथ सर्व होती है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इनके पास चार आइटम्स हैं, ब्रेड पकौड़ा है, कचौड़ी है, नगौरी हलवा है और बेड़मी पूड़ी है। और सारी की सारी आइटम्स वाकई में लाजवाब है। मैंने ब्रेड पकौड़ा ट्राई नहीं किया, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं बहुत ही लाजवाब हैं, तो उस हिसाब से तो ब्रेड पकौड़ा भी इनका लाजवाब होगा ही। तो चलिए मैं इसे इंजॉय करती हूँ। तो देखिए, मैंने तो इनकी बेड़मी पूड़ी, नगौड़ी और कचौड़ी ट्राई की है, जो तीनों ही आइटम बिल्कुल लाजवाब है, मतलब उनके टेस्ट का कोई वेट नहीं है। तो आप यहाँ पे आए, खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपको ट्रेल टू एक्सप्लोर के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।